हाँ जी, तो पैटर्न, ऐसे पैटर्न्स को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं जिसमें कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स का डिफरेंस सेम आता रहता है। जैसे मैं अभी बता रहा था, 1 और 3 का डिफरेंस 2 आता है, 3 और 5 का डिफरेंस भी 2 है, लेकिन आगे वाले नंबर को पीछे से माइनस करना रहता है। हमेशा यही करना है। 5 का और 7 का डिफरेंस देखोगे तो कैसे करोगे, 7 माइनस 5 2। तो हर कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स का अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो इस टाइप की सीरीज को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और इसमें फर्स्ट टर्म टर्म मतलब क्या होता है, कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर बैठा हुआ है। फर्स्ट टर्म मतलब होता है फर्स्ट पोजीशन। ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ अभी, तो फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे कौन बैठा है, वो है नंबर वन। तो ऐसे करते, ये तो एक ये एग्जाम्पल था, तो इसको स्टैंडर्डाइजेशन नाम दिया गया इस चैप्टर में। व्हाट, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ए से, और डिफरेंस जो आ रहा है ना आगे वाले नंबर को पीछे से माइनस करने पे जो डिफरेंस आता है उसको नाम दिया गया कॉमन डिफरेंस का, और उसका सिंबल रहेगा स्मॉल डी। तो ये लास्ट ईयर भी था आप लोगों, 9th 10th 10th में, ठीक है। अच्छा, अब जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता था, जैसे मुझे बहुत सारे, जैसे यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 1, 3, 5, 7, 9 ये दिया हुआ है। तो इसमें थर्ड फोर्थ पोजीशन पे ना 7 नंबर बैठा हुआ है जिसको हम बोलेंगे फोर्थ टर्म, फिफ्थ पोजीशन पे 9 नंबर बैठा हुआ है जिसको मैं बोलूंगा फिफ्थ टर्म। तो वैसे मुझे 55 पोजीशन पे पता लगाना है कि कौन सा नंबर बैठा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो ऐसा लिखते थोड़ी रहूंगा मैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसे लिखते हुए जा रहे बेवकूफ जैसे, और 55 पोजीशन तक लिख लिए, फिर हम बता दिए कि 55 पोजीशन पे ये बैठा है। ये काम नहीं करना है, फिर पढ़े लिखे और अनपढ़ में डिफरेंस क्या रहेगा। तो उस चीज को क्लैरिटी से समझने के लिए, या उस चीज का एकदम विद इन अ सेकेंड आंसर जनरेट करने के लिए, ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी का इंट्रोडक्शन हुआ था लास्ट ईयर 10th में। वो क्या बताता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, कि जैसे आपको 55th टर्म 55th पोजीशन पे कौन सा नंबर चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, a+n-1d। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब होता है कौन सी पोजीशन पे आप चाहते हैं। जैसे 55 पोजीशन पे जाते हैं तो n की जगह 55 डाल दीजिए, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। जब आप ये वैल्यू डालोगे तो आपको 55 कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स की पोजीशन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसको जनरलाइज करने के लिए ना nth टर्म का नाम दिया गया। ये सब आपको मेरे वो बाकी दो वीडियोस में सबका प्रूफ मिल जाएगा। अगर आपको 10th में उतनी चीजें नहीं क्लियर हुई थी तो वो वीडियो आप देखिएगा, फर्स्ट और सेकेंड वीडियो, उसमें पूरी चीज क्लियर हो जाएगी कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो nth टर्म नॉर्मली लिखने का तरीका होता है ऐसा, t बेस में n, और ये भी लिखने का तरीका है a बेस में n, ठीक है। तो टी एन और ए एन ना, एन की जगह आप 5 डाल दोगे तो ये देखो ये जैसे लिखा हुआ है, 4 डाल दोगे तो फोर्थ पोजिशन, 3 डालोगे तो 3 पोजिशन, या तो आप ए एन करके लिख सकते हो तो टी एन। ये जनरलाइजेशन है नंबर ऑफ टर्म्स को लिखने का। चलो, तो ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला था। अच्छा, उसी तरीके से ये सब कुछ क्वेश्चन है, वीडियोज में आप देख लीजिएगा। तो ये पूरे क्वेश्चंस उस वीडियो में कवर हो जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा एक बार वीडियो। मैं यहां से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, 11 क्वेश्चन तक पूरा वो वीडियो में सॉल्व है। और हाँ, यहाँ से अब आता है सम ऑफ फॉर्मूला, हेडिंग डाल देते हैं अपन। ये भी लास्ट ईयर था बट मैं सबका प्रूफ बता रहा हूँ, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये बहुत जबरदस्त स्टोरी है इसकी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना है। इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का SN, S और बेस में N। मतलब अब मेरा मेन टारगेट क्या रहेगा, अभी तो देखिए एक एग्जांपल से मैं क्वेश्चन चालू करता हूँ। जैसे मुझे ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये ऐसे चलते जा रहा था। अब ना इसमें जैसे 50th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 50th, तो 50th पोजीशन पे कौन सा नंबर है ये पता नहीं है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग ये करेंगे, t50 इज इक्वल्स टू a+n-1d, ठीक है। तो a की जगह मैं डाल दूंगा फर्स्ट टर्म 1, n की जगह मैं डाल दूंगा 50-1, और d की जगह कॉमन डिफरेंस तो आ रहा था 2, आगे वाले नंबर को पीछे से माइनस कर दिया ना मैंने, तो 3-1 होता है 2, तो ये हो जाएगा 1+50-1 होता है 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 इज 98, 98+1 इज 99। इसका मतलब 50th पोजीशन पे 99 नंबर बैठा हुआ है, 50th टर्म।
ये तो हम लोग वो टॉपिक में पढ़ रहे थे कि कौन सा टर्म कौन सी पोजीशन पे, या कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर बैठा हुआ, ये पता लगाने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हमारे लिए टारगेट क्या रह गया, अब टारगेट ये है कि अब अपना यहाँ से लेकर जैसे 10th टर्म, यहाँ से लेकर 10th टर्म तक का सम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10। आपको यहाँ पर मैंने एक सवाल दे दिया कि 10th नंबर तक का आप सम बताइए, तो फिर क्वेश्चन आपका कैसे चेंज हो जाएगा पता है? आप ऐसे करेंगे, एस इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, इसका सम निकालना है। तो ये सब सम निकालने के लिए आप थोड़ी कैलकुलेटर लेके बैठेंगे, ये पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। ये पैटर्न आपको दिख रहा है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें आगे वाले नंबर का पीछे वाले से डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो कि लास्ट ईयर आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा कुछ होता है 9/2 2a + n-1g। ये फॉर्मूले का जन्म कहाँ से हुआ, ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, इसका बॉर्न क्या है, ये सब हम लोग अभी देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया था। ये लास्ट ईयर था, n/2 2a + n-1d, या एक और फॉर्मूला था हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी निकालने का, n/2a + l। l का मतलब होता था लास्ट टर्म, a का मतलब होता था फर्स्ट टर्म, n का मतलब होता था नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने नंबर तक का आप सम चाहिए, कितने नंबर नहीं बोलना चाहिए, कितने पोजीशन तक का आपको सम चाहिए। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ 10 पोजीशन तक का चाहिए, तो n की जगह 10 डाल देंगे। n/2 जैसे इस क्वेश्चन में अपने निकालना है, n/2a + l है, तो इस क्वेश्चन में मुझे निकालना है कि 10 नंबर 10 टर्म तक का सम बताइए, तो n की जगह मैं 10 डाल दूंगा, ए की जगह मैं फर्स्ट टर्म डाल दूंगा 1, और एल की जगह मैं 19 डाल दूंगा। तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं इसका सम, और ऊपर वाले से भी, ऊपर वाला फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट के अंदर में 2a + n-1d। तो इसका प्रोडक्शन हाउस क्या है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना कहाँ से, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट, ये मूवी नहीं देख रहे हालांकि, लेकिन हाँ एक एक सच्ची घटना के ऊपर ये आधारित है, और ये एक सच्ची घटना जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके कारण ये फॉर्मूला डेवलप हुआ था। और वो सच्ची घटना क्या थी जिसके कारण सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला डेवलप हुआ था, लेट्स से दिस वन। देखिए एक रफली मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ईयर उतना ढंग से याद नहीं है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1776 की स्टोरी है ये ट्रू स्टोरी है ना। एक 1776 में एक स्टोरी, सॉरी एक इंसिडेंट हुआ था। एक टीचर क्लास में, मैथ्स टीचर ही क्लास में मैथ्स पढ़ा रही थी, एंड सडनली प्यून की तरफ से कॉल आता है कि कॉल मतलब वो आके गेट में नॉक करता है कि आपको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। तो वो टीचर ने ये डिसाइड किया, वो टीचर ने क्या किया कि सोची कि चलो भैया बच्चे मस्ती ना करे, हल्ला ना करे, तो इनको एक ऐसा सवाल लिख के चले जाती हूँ बोर्ड में जिससे इन लोग बिजी भी रहे, सॉल्व करते भी रहे, भले डिस्कस करें लेकिन सॉल्व करें, और साथ साथ डिस्टर्ब ना करे अदर क्लासेस को। तो वो टीचर ने उस बोर्ड में, अपने ब्लैक बोर्ड में, उसने क्वेश्चन लिख दिया। और वो क्वेश्चन ऐसा था, ये ऐसा बोर्ड था, उसने बोला, टीचर ने, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। और ये वो दिन था, मतलब उस समय ना कैलकुलेटर अगर भी मतलब आया नहीं था, और आ भी गया होगा अगर कैलकुलेटर उस समय, तो बच्चे उस समय स्कूल एग्जाम में, सॉरी स्कूल में कैलकुलेटर दे नॉट यूज टू टेक कैलकुलेटर इन देयर स्कूल। सो अब उनको निकालना था कि पहले 100 नेचुरल नंबर तक का सम क्या होगा। ये टीचर ने अपना क्वेश्चन लिख दी बोर्ड में, चली गई, और टीचर को भी पता था कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि टीचर को भी नहीं पता था इसका आंसर। ये अचानक एक टीचर के थॉट में आया था और उसने लिख दी थी कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर सम, 100 नेचुरल नंबर्स का सम बताइए। तो सवाल फिर क्लैरिटी से लिखा जाए तो क्या था कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये नंबर तक का सम। अब बेहतरीन चीज मैं बताता हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को रफली सॉल्व करोगे, पेज अपने पेन पेपर से सॉल्व करना चालू करोगे कि भैया 1 + 2 3 होता है, फिर 3 + 3 6 होता है, फिर 6 + 4 10 होता है, फिर 4 + 5 सॉरी 10 + 5,
15 होता है ये, जब आप ऐसा बच्चे ऐसा पूरा रफ में लिख, स्टार्टिंग का तो 5-6 नंबर तक कसम आप कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको ऐसा लिख लिख के करना पड़ेगा कि 22 + 48 आ रहा है तो चलो ऐड कर लिए लाइक दिस। तो जब आप ऐसा लिख लिख के ऐड करेंगे ना, तो आपके कॉपी के 2 से 2.5 पन्ने भर जाते हैं और आंसर गलत आता है, क्योंकि जितने ज्यादा कैलकुलेशन होती है उतने ज्यादा एरर के चांसेस होते हैं। तो जब आप ऐसा करना ट्राई करेंगे, मतलब जब आप ऐसा सोच के कैलकुलेट करके ऐसा लिख लिख के ट्राई करेंगे, तो आपका आंसर चांसेस है कि गलत ही आए। अब टीचर अपना काम हम निपटा के वापस आई, तो टीचर को पता था कोई आंसर तो नहीं दे पाएगा, और टीचर एज यूजुअल, क्योंकि टीचर को भी इसका आंसर नहीं पता था एक्चुअली, दैट वाज द डे कि इस क्वेश्चन का आंसर जनरेट हुआ, और दैट वाज द डे कि इस टाइप के पैटर्न्स का, इस टाइप के नंबर्स ऑफ सीरीज का एक फॉर्मूला जनरेट हुआ। और जैसे टीचर ने एंट्री मारा तो बता बोल दिया होगा कि किसी बच्चे से तो नहीं बना होगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिससे भी बनेगा आप लेके आइएगा। तो एक बच्चे ने हाथ उठाया और बताया कि टीचर मेरे से ये क्वेश्चन बन चुका है, और टीचर वॉज एस्टोनिस्ड। तो टीचर ने पूछा ठीक है आप बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है, तो बच्चे ने बोला कि 50-50। तो टीचर वॉज शॉक्ड, 50-50 आप बिस्किट का नाम ले रहे हैं कि आंसर दे रहे हैं? तो बच्चे ने बताया कि 50-50 मैडम इस क्वेश्चन का आंसर है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 up to 100 इज आंसर इज 50-50। एवरी वन वॉज एस्टोनिस्ड कि ये आंसर निकाला कैसे, किसी ने कुछ आंसर दिया, किसी ने कुछ आंसर दिया, क्योंकि थोड़ा देर का टाइम मिला तो सब अपने अपने रफ पेज में भी सॉल्व किए थे। तो टीचर ने बोला ठीक है अगर एक का आंसर 50-50 आ रहा है, बाकी जिसका भी आ रहा है सबका चेक वेक करने के बाद, जब टीचर इस बच्चे के हाँ कॉपी के पास पहुंची, तो बच्चे को पूछा गया कि आपका वो 2 से 3 पन्ना दिखाइए पहले पूरा, जिसमें आपने पूरा बच्चे ऐसा सॉल्व किया होगा। बच्चे ने बोला मेरे को 2 से 3 पन्ना नहीं लगा है, मुझे 2 से 3 लाइन बस लिखे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और एक्चुअली दैट वाज अ रियल इंसिडेंट एंड दैट इज अ बिग बिग अनाउंसमेंट इन वर्ल्ड आल्सो, कि ये इतना बड़ा ड्रास्टिक क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 लाइन में कैसे आ गया। So, जब वो बच्चे को बोला गया आप फ्रंट में आइए और आंसर बताइए कि ये कैसे लाया आपने आंसर, तो बच्चे ने कैसे आंसर दिया आप देखिएगा, बहुत ही अल्टीमेट तरीका था। उसने बोला कि टीचर मैंने क्या किया, ये इस नंबर को जो आपने बोला था ना 1 + 2 + 3 + 4 up to 100, इसको मैंने एस का नाम दे दिया, इसका मुझे सम निकालना है, और मैंने ऑब्जर्व किया है कि 1 + 100 101 होता है। अच्छा 100 के पहले 2-3 नंबर और लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 98 + 99 + 100। तो वो बोल रहा था कि मैं ऑब्जर्व किया कि 1 + 100 101 होता है, 2 + 99 101 होता है, एंड ऑफ कोर्स 3 + 98 भी 101 होता है। तो स्टार्टिंग के नंबर्स की जो पोजीशन है और पीछे की नंबर की जो पोजीशन है, अगर उन पोजीशन को आपस में ऐड किया जाए तो सम सेम आ रहा है। जैसे स्टार्टिंग का नंबर की जो फर्स्ट पोजीशन है 1 है, और पीछे से जो फर्स्ट पोजीशन है वो 100 है, स्टार्टिंग से जो सेकंड पोजीशन है वो 2 है, और पीछे से जो सेकंड पोजीशन है वो 99 है। तो इस टाइप के सेम पोजीशन वाले कंटेंट को ऐड किया जाए तो नंबर 101 ही आ रहा है। तो उसने बोला कि सर मैम मैंने ना इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया था और इसी इक्वेशन को फिर से मैंने लिख दिया ऐसा पीछे से 100 + 99 + 98 ऐसे करते करते, यहाँ पर 3 फिर 2 फिर 1, और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, और ये तो रहेगा ऐसी, मैंने तो सिर्फ पोजीशन ही चेंज किए ना, मैं तो बस सीरीज को उल्टा किया हूँ, उसका नाम अगर मैंने एस दिया था तो अभी भी ऐसी रहेगा, और इसको मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया ये ऐसा। तो LHS LHS के साथ ऐड हुआ तो ये बन गया 2S, और RHS में पहला वाला जो नंबर है 1 उसको 100 के साथ ऐड किया, 99 को 2 के साथ ऐड किया, 3 को 98 के साथ, 4 को 97 के साथ, ऐसे करते करते 98 को इधर 3 के साथ, 99 को इधर 2 के साथ, और 100 को इधर 1 के साथ, ऐसा मैंने ऐड कर दिया। ऐसा मैंने ऐड किया तो क्या आ रहा था, ये आ रहा था 101, फिर ये भी 101, ये भी आ रहा था 101, ऐसे करते करते यहाँ भी 101, ये 101 और ये भी 101। ठीक है, अच्छा कोई आप लोग में से बता सकता है ये 101 कितने बार आ रहा होगा, कोई भी आप लोग में से? 100 times। एग्जैक्टली 100 times, क्योंकि 100 pairs ऐड हो रहे ना, 100 pairs ऐड होके 101 101 100 times देंगे। अच्छा एक चीज बताइएगा, और एक छोटी सी बात, जैसे 2 को आप 5 बार ऐड करते हैं तो पता है क्या आता है, 10 आता है रिजल्ट।
तो क्या मैं इस सिचुएशन को ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 2 × 5? अगर किसी नंबर को जितने भी बार आप ऐड करेंगे, जैसे आपने 2 को 5 बार ऐड किया, तो आप उसको लिख सकते हैं 2 × 5, दैट्स इट। अगर आप नंबर 10 की बात करिए, नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 को अगर आप 5 बार लिखते हैं, तो 7 + 7 + 7 + 7 5 बार लिखा, तो आप उसको लिख सकते हैं 7 × 5। तो वैसे यहाँ पर 101 100 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 101 × 100। और देखिए इससे कितनी जल्दी एस की वैल्यू आ चुकी है, 101 × 100। इधर था 2s, s की वैल्यू निकालनी है आपको। s की वैल्यू क्यों निकालनी है, यही तो टारगेट था, यही तो टीचर का सवाल था कि भैया 1 से लेकर 100 तक का सम बताइए। तो 2 1 जा 2 50 जा, ये कटा, तो फाइनली s की वैल्यू 101 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो s की वैल्यू आ जाएगी 50 50। तो दिस इज अ सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, एंड दिस सीरीज इज नोन एज रिवर्स ऑर्डर सीरीज, रिवर्स ऑर्डर मेथड बोल सकते हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हो गया उस दिन के बाद से। एंड द पर्सन एंड द स्टूडेंट हु इन्वेंटेड दिस कॉन्सेप्ट, हु इन्वेंटेड दिस कॉन्सेप्ट इज कार्ल फ्रेडरिच गॉस। ही इज दैट साइंटिस्ट जिसने मैथ्स में, फिजिक्स में, फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा फ्लूड मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा हेल्प किया है कॉन्सेप्ट को और थ्योरी को समझने में। एंड दिस कॉन्सेप्ट जो उन्होंने इन्वेंट किया था क्लासरूम के अंदर ही, उस समय उनकी एज थी 13 ईयर्स। एट द रेट 13 ईयर्स ही इन्वेंटेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स ऑर्डर मेथड। एंड ड्यू टू दिस हिज कॉन्सेप्ट, हिज मेथडोलॉजी, बड़े बड़े क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यू निकल जाते हैं विदाउट कैलकुलेटर। अगर आप कैलकुलेटर में भी 1 + 2 + 3 + 4 up to 100 तक का जब आप बार 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 प्रेस करेंगे, तो ऐसा देखा गया है कि इस मेथड से जब मैं 1 से लेकर 100 तक का सम निकालता हूं और कैलकुलेटर से निकालता हूं, तो इस मेथड में जितना टाइम लग रहा है उसके 30 टाइम्स, उस टाइम का 30 टाइम से ज्यादा लगता है कैलकुलेटर में निकालना। तो ये इतना डिफरेंस आ चुका है, जस्ट थिंक, अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट इन्वेंशन, रिवर्स ऑर्डर मेथड बोला जाता है इसको। तो ये यहीं से लिखना चालू करना है एपी। देखिए तो देखिए अब मेरा मेन टारगेट क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी निकालने का, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स, इसको हम लोग बोलते हैं SN। इसमें आपको क्या देखना है, फर्स्ट टर्म क्या होता है एपी का, ठीक है, तो वो लिखना चालू करता हूँ। SN इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये होता है ये ऐसा, फिर सेकेंड टर्म होता है a+d, फिर थर्ड टर्म होता है a+2d। ऐसे करते करते हम लोग लास्ट सेकेंड टर्म तक जाते हैं। देखिए लास्ट टर्म क्या होता है पता है ना, a+n-1d, दैट इज नोन एज nth टर्म। तो लास्ट टर्म होता है a+n-1d, और लास्ट सेकेंड टर्म होता है a+n-2d, ये लास्ट सेकेंड टर्म होता है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, अभी थोड़ा सा इसका काम है, ये a+n-1d, ये ऐसा। तो देखो फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म है a+d, थर्ड टर्म है a+2d, ये सब कहाँ से आया है, ये वाले फॉर्मूले से ही तो आता है, a+n-1d वाले फॉर्मूले से। आप n की जगह 2 पुट कर दीजिए तो सेकंड टर्म आ जाएगा, आप n की जगह 3 पुट कर दीजिए तो थर्ड टर्म आ जाएगा। ये सब मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे सब सीरीज का सम निकालना है। तो देखिए d के सामने ना, अगर आप पीछे से चालू कर रहे हो, जैसे यहां से आप यहाँ जाना चाहते हो, तो a+2d है तो पीछे जाओगे तो a+d, फिर यहां से आप यहाँ जाना चाहते हो तो d के सामने ना एक सब्ट्रैक्शन बस करना है, तो ये हो जाएगा a। तो उसी तरीके से अगर आप a+n-1d से पीछे आना चाहते हो ना, तो d के सामने n-1 था ना, तो एक और सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो n-2d हो जाएगा। तो ऊपर उसी मेथड को फॉलो करते हुए जो कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने बताया था, तो उसी मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये पूरा इक्वेशन नंबर 1 है, और इस सीरीज को हम लोग उल्टा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a+n-1d, ये इसके नीचे, प्लस फिर ये a+n-2d, ये इसके नीचे, ऐसे करते करते लास्ट यहां पर आ जाएगा a+d, और इसके साथ आ जाएगा a, इसको ले लीजिएगा इक्वेशन 2। अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, मेथड वही है। देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा मैं तो क्या मुझे मिलेगा, LHS में आ जाएगा 2 times of SN, SN का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो
तो ए ए के साथ ऐड होके ये बन जाएगा 2a + n-1d, ये हो गया एक मटेरियल। अब आप ये दोनों को ऐड करें, आप ऐड कीजिए ए और ए ऐड होके तो बन जाएगा 2a। अब आप डी वाले को ऐड करोगे ना तो देखना वो ये आएगा n-1d ही आता है, आप करके देख सकते हैं। फिर ये दोनों को ऐड कीजिए तो सेम वही कंटेंट है ये 2a + n-1d, आप ऐड कीजिए ना अलग अलग, फिर ये दोनों को ऐड कीजिए पेयर वाइज ऐड कीजिएगा तो ये भी वही रहेगा 2a + n-1d। ठीक है, अब क्या हुआ पता है आप लोग को पता है, ऊपर एसएन में इक्वेशन वन या इक्वेशन टू की बात करूं मैं, इक्वेशन वन में पता है नंबर ऑफ टर्म्स एन है, क्योंकि एसएन बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ टर्म्स एन ही है और नीचे में भी नंबर ऑफ टर्म्स एन है, तो ये जब ऐसे एक एक पेयर ऐड होंगे तो भी तो ये वाली क्वांटिटी पता है कितने बार आएगी, ये भी एन टाइम्स आएगी ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हो रहा था, अगर मुझे 100 नंबर तक का सम निकालना था तो ये 101 100 टाइम्स आ रहा था, तो जितने नंबर तक का आपको निकालना था, जितने पोजीशन तक आपको सम निकालना था, वही उतने बार रिपीट हो रहा था 101, इसीलिए 100 टाइम्स आ रहा था। इसी तरीके से 2a + n-1d भी n टाइम्स आएगा ना, तो LHS में क्या हो जाएगा, देखिए LHS में तो वही रहेगा 2 into SN, बट RHS में क्या हो जाएगा n into 2a + n-1d, ये हो गया RHS में। अब आप ये 2 को पकड़िए और 2 को आप RHS में भेज दीजिए तो फाइनली मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला आ गया, दैट इज n/2 2a + n-1d, दिस इज प्रूफ ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ये प्रूफ था। अच्छा अब आप एक चीज देखिए, SN मैंने लिख दिया n/2 2a + n-1d, तो ना देखिए ये मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर ये 2a को मैं ऐसा ब्रेक कर देता हूँ तो ये ऐसा ब्रेक हो जाएगा a + a + n-1d, तो ना ये a + n-1d कुछ और नहीं nth टर्म जाएगा दिख रहा है, और nth टर्म मतलब क्या कि मुझे ना यही nth टर्म तक का ही सम निकालना है, SN मतलब क्या मुझे nth टर्म तक का ही सम निकालना है, तो वो nth टर्म जैसे मुझे n की वैल्यू मान लेते हैं 10 है, तो 10 नंबर तक का सम निकालना है, तो ये 10 नंबर ही तो रहेगा, a + n-1d मतलब n की जगह मैं 10 डाल दूंगा, तो आपको पता है ये वो सीरीज का लास्ट टर्म कहलाएगा फिर कौन, a + n-1d, तो इसलिए हम लोग एल बोल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे जिस टर्म तक का सम चाहिए वही टर्म तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है a + n-1d, नॉर्मली वो nth टर्म होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस सम सम मुझे nth टर्म तक का ही चाहिए, मुझे जैसे एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, जैसे ये रहा इसका सम चाहिए, तो ये सिक्स नंबर सिक्स पोजिशन पे देखो सिक्स टर्म, तो मुझे ना इस सम इसका सम ऑफ सिक्स टर्म चाहिए, तो आपको पता है ये a + n-1d आप निकाल के देख लीजिएगा, ये a + n-1d इसका सिक्स टर्म निकाल के देखिए ये इस फॉर्मूले से 6 - 1d, तो आप देखेंगे a की जगह 1 है, 6 - 1 5 होता है, और कॉमन डिफरेंस इस सीरीज का 2 है, तो आप देखना वो 11 ही आएगा, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं a + n-1d की जगह हम l पुट कर सकते हैं, नॉर्मली ये a + n-1d तो nth टर्म होता है, बट अकॉर्डिंग टू सम ये nth टर्म कुछ और नहीं लास्ट टर्म के जैसा ट्रीटमेंट देगा अपने आप को, तो इसीलिए इसका एक और फॉर्मूला ये होता है n/2 a + l, और एक ये फॉर्मूला तो होता ही है n/2 2a + n-1d, तो विच एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू यू कैन पुट यू कैन फाइंड सम ऑफ द गिवन AP n/2 a + l। पहले अपन 13 सॉल्व कर रहे हैं फिर 12 में आएंगे, 12 थोड़ा देर बाद ही आते हैं ना, पहले 13 14 पहले कर लेते हैं, सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। अच्छा अब मुझे ना वो पूरे थ्री डिजिट नंबर का सम निकालना है जो 7 से डिविजिबल हो, तो ना पहला थ्री डिजिट नंबर निकालने का तरीका क्या होता है, आप ये देखेंगे कि 100 इज अ स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये एकदम इजी सा टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, 7 × 7 और ये 30, फिर आ गया 28 और यहाँ 2 रिमाइंडर आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना ना, 2 रिमाइंडर आ गया इसका मतलब क्या, अगर 2 को आप ये डिविडेंड में माइनस कर देंगे ना 100 से तो क्या बचेगा 98, तो पता है आपको 98 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, तो 98 एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल है, तो इसमें 7 ऐड कर दीजिए तो 105 इज द लीस्ट नंबर, तो 105 इज द आप बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर, तो मुझे सम निकालना है 105, फिर अगला नंबर कौन होगा 7 ऐड ही तो करना है 1112, फिर अगला नंबर 119, अब मुझे लास्ट नंबर में जाना है। अच्छा लास्ट नंबर में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अब 1000 को पकड़ लेता हूँ, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर फोर डिजिट नंबर इज 1000, या आप बोल लो आप
सॉरी स्मॉलेस्ट थ्री फोर डिजिट नंबर इज 1000 और लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 999। तो आप ये 999 ले लो या 1000, जो भी आपको इजी लगता हो, और यहाँ पर आप 7 से डिवाइड कर लो। ये ऐसा 29 24 28, फिर यहाँ पर 1 आएगा और ये 9 उतर के नीचे आ जाएगा। अब ये हो गया 7 2 14, तो यहाँ आ गया रिमाइंडर 5। तो आप एक काम कीजिए, ये रिमाइंडर 5 को पकड़ो और इसके पास ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि रिमाइंडर 5 आ रहा है। 5 आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो आएगा 994, तो 994 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। रिमाइंडर 5 दे रहा है ना वो। अब रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब ये 994 लोगे आप, तो लास्ट वाला नंबर आएगा 994। बट मुझे ये नहीं पता ना 994 कौन सी पोजीशन पे। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे कौन है सीरीज में, 105। सेकंड पोजीशन पे कौन है, 112। थर्ड पोजीशन पे कौन है, 119। बट मुझे पता थोड़ी है कि 994 कौन सी पोजीशन पे है। तो इसको पता लगाने के लिए ना आप ये ले लीजिए, लेट एनथ टर्म इज, इसको मैं एनथ टर्म बोल देता हूँ, लेट एनथ टर्म इज 994। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टी एन लिखते हैं हम लोग ऐसा, टी एन या ए एन भी लिखते हैं ना, ऐसा भी लिख सकते हो आप। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 994। अच्छा ए की वैल्यू क्या है, ये रही 105। एन मुझे पता नहीं है, वही निकालना चल रहा है। अच्छा डिफरेंस क्या आएगा, 7 ही आएगा, जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो डिफरेंस भी 7 ही तो आएगा। 112 माइनस 105 करके देख लो आप, रिजल्ट 7 आ रहा होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा जल्दी सॉल्व करके बताइएगा किसका क्या आता है। ये आरएचएस में भेज देंगे हम लोग, मुझे थोड़ा जल्दी बताइए। तो देखो यहाँ पर एन की वैल्यू सॉल्व करने पे एन की वैल्यू आती है 120, एकदम सही बोला आप लोग ने। अब इसका सम निकालते हैं हम लोग। सम निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वो सिंपल, या तो आप एन बाय टू यूज कर लो, जो भी आपको ठीक लगता है ना। मेरे को एन बाय टू ए प्लस एल वाला थोड़ा सिंपल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो बेटर रहेगा। और एन की वैल्यू भी पता चल चुकी है अपने को, तो ये मुझे एन की जगह 128 लिखूंगा। मैं सम ऑफ फर्स्ट 128 नंबर्स का सम बता रहा हूँ। तो ए की जगह डाल दूंगा 105 और एल की जगह हम लोग डाल देंगे 994। इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, इसका ना आंसर 64। ये देखो आप इस सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या आता है आंसर, 0366। लाइन बिटवीन 100 और 500 विच आर डिविजल बाय 8। तो आपको पूरे वो नेचुरल नंबर का सम बताना है जो 100 और 500 के बीच में आते हैं और वो 8 से डिविजल भी हो। ठीक है, पहला नंबर आप चालू करेंगे उसी तरीके से चालू कीजिए आप, या तो 100 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए आप 96, एक नंबर आता है 96 इज डिविजल बाय 8, तो 96 में आप 8 ऐड करोगे तो पहला नंबर आएगा 104, दूसरा नंबर आएगा 112। ऐसे करते करते लास्ट 500 तक जाना है। 500 को आप 8 से पहले डिवाइड कर लीजिए, एकदम सिंपल तरीके ही करना है आपको, कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है इसमें। ये हो गया 20 और यहाँ 8 2 जा डेसिमल में मत निकाल लेना ना आंसर, 8 2 16। तो 4 को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो 500 के साथ, तो यू विल गेट अ लास्ट नंबर ना 50, तो ये हो जाएगा 496। तो 496, और आपको नहीं विश्वास हो रहा था, आप 496 को 8 के साथ डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। फिर से वही लॉजिक है, आपको ये टर्म नहीं पता है, फर्स्ट टर्म तो चलो ए है, ये रहा ए, और कॉमन डिफरेंस तो चलो दोनों का डिफरेंस करोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 8। सेम वही लॉजिक है, आप एनए टर्म निकालना चाहते हैं, यहाँ पर एनए टर्म दिया हुआ है 496, या लास्ट टर्म भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहां नंबर तक का सम निकालना है ना, तो इस सिचुएशन में एनए टर्म लास्ट टर्म सेम रहते हैं, ऐसे बाकी जगह सेम नहीं होते ना। ए की जगह 104, एन माइनस 1 मुझे एन नहीं पता है, और डी की जगह मैं डाल दूंगा 8। थोड़ा जल्दी और बताइएगा क्या होता है। सो एन की वैल्यू 50 आ रही है। एन की वैल्यू 50, 50 की 15 सर, 50 की 50 सही है। चलो एन की वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ पर 50। अच्छा 50 आने के बाद हम लोग सम निकालेंगे, बस सम निकालने पे देखिए तो कितना आ रहा है, ये आ गया एन की वैल्यू 50।
और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला यही वाला यूज करूंगा मैं, n by 2 a plus l वाला। तो S50 की भी वैल्यू आ गई 15,000। 15,000 आ रही है, बहुत सही। 50 by 2, a की वैल्यू 104 और लास्ट टर्म अपना आ चुका था यहाँ पर मेरे ख्याल से 496। ऐसा तो ये आ गया 50 by 2 is 25 और ये 496 plus 104 is 600, तो ये आ गया 15,000। ये इसका सम की वैल्यू है। फिफ्टीन के बाद अपन ट्वेल्थ वाला सॉल्व करेंगे ना। चलो ये क्वेश्चन पहले लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज 42, द रेशियो ऑफ टेंथ टर्म टू 30th टर्म इज 1:3, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म। ठीक है ना, तो देखिए आप क्या लेंगे, ये एपी के बारे में नहीं पता ना, तो लेट पहले ये डिक्लेरेशन देंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए। ठीक है, अब एंड ले लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता अभी हमें, तो कॉमन डिफरेंस इज डी। ये सबको आप पहले अजम्पशन में डाल दीजिए। इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म, एस सिक्स की वैल्यू दी हुई है। फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन लोग। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये तो होता ही है। अब एन की जगह में डाल देता हूँ सिक्स, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म, ये हो जाएगा सिक्स बाय टू, टू ए, सिक्स माइनस वन हो गया फाइव डी। अच्छा तो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये टू बन जाए, टू थ्री जा कट गया, एस सिक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अच्छा एस सिक्स, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, तो सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म इज 42, तो एल एच एस में मैं लिख दूंगा 42 और आर एच एस में लिख दूंगा 3 × 2a प्लस 5b। तो एल एच एस में मैं लिख दिया हूँ 42 और आर एच एस में मैं लिख दिया हूँ 3 × 2a प्लस 5d। अच्छा अब 3 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 3 से डिवाइड करके थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, तो इक्वेशन ऐसा दिखेगा 2a प्लस 5d, और जैसे मैंने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 14, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 14 इज इक्वेशन नंबर 1। एस सिक्स की वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में दी हुई थी ना। अच्छा पहले सिक्स टर्म का मतलब ये हो जाता है सम ऑफ एन का, अच्छा इसका भी मतलब क्या होता है, ये एस एन का मतलब भी यही होता है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला है। ऐसा नहीं कि बीच में से कोई भी नंबर को आप पकड़ के, जैसे थर्ड टर्म से लेकर 19 तक टर्म तक का सम निकालना, तो आप एस एन का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। एस एन का मतलब होता है पहले टर्म से लेकर एन टर्म तक का सम निकालना, तो ये n की जगह मैंने 6 पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। नाउ द रेशियो ऑफ 10th टर्म एंड 30th टर्म इज 1:3, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशियो ऑफ 10th टर्म, a 10 और क्या बोला था 30th टर्म, a 30 इज 1/3। देखिए an का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1d, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको काम करना है। a plus 10 minus 1d, 10 minus 1d इज 90, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 90, 30 माइनस 1d तो ये हो जाएगा 29d इज इक्वल टू 1/3। ये वाले फॉर्मूले में मैंने एक बार n की जगह 10 और एक बार n की जगह 30 पुट करके यहाँ पर LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने पुट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, 3a 27d a plus 2a, देखो तो a इक्वल टू d आ रहा है क्या, सॉल्व कीजिए और देखो a इक्वल टू d आ रहा है क्या, तो जल्दी बताइएगा। Yes, sir. 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 Yes, sir
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बैकबोन जो होता है ना, पूरे चैप्टर का बैकबोन, वो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर आपके पास ए स्मॉल ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, तो इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो बैकबोन ऑफ एपी इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। डी की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू भी 2 आ गई। नाउ माय टारगेट इज व्हाट, आई नीड टू फाइंड फर्स्ट टर्म, ये तो आ गया मेरा 2, ये तो हो गया, और 13 टर्म आल्सो। तो 13 टर्म के लिए बस करना क्या है, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ एन की जगह आप 13 पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए और डी की वैल्यू भी 2 पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा 13 टर्म। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ए 13 इज इक्वल टू ए की जगह 2
13 माइनस 1 इज 12 और डी की जगह पे 2, 24 प्लस 2 इज 26. एग्जैक्टली. तो सिंपल होते हैं क्वेश्चन. एपी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है. प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ना कभी इस टाइप के सीरीज आएंगे आपकी लाइफ में जिसमें आप विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू सेकेंड्स आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे. ऐसा होता है बहुत बार. और जब भी नंबर्स के पैटर्न्स का सम या डिफरेंस आता है ना तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट क्वेश्चन है. सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एपी इज 100 एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 19 टर्म इज 551. फाइंड एपी. एपी मतलब ये हो जाता है आपको सीरीज निकालना है. सीरीज निकालने के लिए आपको वही चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. तो ये दो स्टेटमेंट जो गिवन है उस स्टेटमेंट को डिकोड करके हम लोग दो इक्वेशन निकालेंगे ए और डी के टर्म्स में और वो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी. दैट्स इट. सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ एपी इज 100. वही कोई एपी है मान लो कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है तो फॉर्मूला क्या होगा एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी. एन की जगह 8 डाल दोगे 8 बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन डी ना. अच्छा n तो मुझे पता है तो n की जगह मैं डाल देता हूँ वैल्यू 8 माइनस वन और d और a नहीं पता तो ये ऐसा इज इक्वल टू ये आ गया 100. अब देखो यहाँ पर कट करोगे आप तो 2 इंटू 4 ये 4 कट हो गया और ये हो गया 2a प्लस 7d इक्वल टू हो गया 100. 4 से डिवाइड कर दीजिए तो पहला इक्वेशन आपके सामने आ गया 2a प्लस 7d इज 25. ये हो गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरीके से एक और दिया हुआ है हमें सिचुएशन. वो क्या दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म इज 551. तो 19 टर्म तक का सम 551 है. ठीक है तो ये हो जाएगा 19 बाय 2 ये हो जाएगा 2a प्लस 19 माइनस 1 दैट इज 18d इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 551. अच्छा आपको पता है ये ब्रैकेट 2a प्लस 18d में से बहुत सही सार्थक आपका आंसर सही है. 2 कॉमन निकाल लीजिए. 2 कॉमन निकालते ये बाहर वाले 2 से कट जाएगा तो ये अंदर बचेगा 19 इंटू ए प्लस 9d इज इक्वल टू 551. ऐसा अब यहाँ पर ना 19 से डिवाइड कर दीजिए तो जैसे आप एक मिनट इसको रखो. हाँ जी तो कहाँ थे हम लोग ये 19 इंटू ए प्लस 9d. अच्छा चलो ठीक है ये 19 से यहाँ पर ले जाके डिवाइड कर देता हूँ मैं 551. तो 19 इंटू देखिए 19 इंटू 10 होता है 190, 19 इंटू 20 होता है 380. तो जब आप ऐसे मूव ऑन कर रहे हैं ना तो 19 इंटू 30 ये होता है 570. अरे वाह 551 के नजदीक आ गए. इसका मतलब ये होगा 29. 551 डिवाइडेड बाय 19 इज 29. ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2. अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए जो 9 10th में आप लोग सीखे हो. टू फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ए एंड डी वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग. तो इसका एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हम लोग ए और डी निकालते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 25 और सेकंड इक्वेशन क्या था a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 29. तो यहां पर ना इक्वेशन 2 में मैं 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूं और इसमें 1 और दोनों को सबट्रैक्ट कर लेता हूं. तो देखो 2a 2a कट जाएगा 7d में से 18d गया 7d में से 18d गया तो ये हो जाएगा 9 माइनस 11d और ये हो जाएगा 25 माइनस 58 तो ये हो जाएगा माइनस 33. तो देखो d की वैल्यू आ गई ना 3. कॉमन डिफरेंस यही तो इंपॉर्टेंट चीज है. आप कॉमन डिफरेंस जनरेट कर लो. नाउ पुट दिस वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. पुट दिस वैल्यू मैं जैसे इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ. तो इक्वेशन 1 क्या था 2a प्लस 7 इंटू डी इक्वल्स टू 25. तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2 सॉल्व करने से. फर्स्ट टर्म आ गया कॉमन डिफरेंस आ गया. बस अब आपको ap सीरीज कैसे निकालना है दोनों को यूज करके. ap सीरीज विल बी एरिथमेटिक सीरीज विल बी पहला नंबर मैं लिखता हूँ फर्स्ट टर्म तो लिखना ही है 2. फिर आप ना उसके बाद आप क्या करेंगे 2 लिखने के बाद आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करते चलो. बस जो भी कॉमन भले माइनस में आए प्लस में आए कॉमन डिफरेंस ऐड करना रहता है 2. अब 2 में 3 ऐड करो 5, 5 में 3 ऐड करो 8, 8 में 3 ऐड करो 11, ऐसे चलते जाएगा. दिस इज व्हाट एपी सीरीज. कुछ डाउट चलो अब ये 12th वाला बस सॉल्व कर लेते हैं. आज की क्लास एंड हो जाएगी अपनी. फिर क्या बोला है क्वेश्चन में द सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एपी इज ट्वाइस द mth टर्म. ये प्रूफ करना है. आपको प्रूफ करना है कि m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म एपी का जो रहता है उसका सम निकालोगे तो सम ना 2 टाइम्स mth टर्म आएगा.
ठीक है, इसमें सम ओम का लॉजिक तो नहीं आ रहा वैसे। चलो ठीक है, देखिए टी एन या ए एन बोला जाता है एन टर्म को लिखने का, ए प्लस एन माइनस वन डी। अब आप एक काम करो, इसमें निकालो टी एम प्लस एन, यहाँ एन की जगह मैंने डाल दिया एम प्लस एन, तो यहाँ पर भी वही आएगा एम प्लस एन माइनस वन डी। और ये एन की जगह अब आप डाल दो एम माइनस एन, एन की जगह ही रिप्लेस किया जाता है ना, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया एम माइनस एन, तो ये तो वही रहेगा ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन डी। देखिए इस सीरीज का मैंने बोल दिया है, दो मिनट के लिए मान लो फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। अगर ऐसा है तो nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है ना, तो m प्लस nth टर्म का फॉर्मूला ये होगा a प्लस m प्लस n माइनस 1d, और m माइनस nth टर्म आपको करना क्या है, n की जगह ही तो रिप्लेस किया जाता है। जैसे मुझे 19 टर्म चाहिए तो n की जगह 19, 100 टर्म चाहिए तो n की जगह 100, pth टर्म चाहिए तो n की जगह p, qth टर्म चाहिए तो n की जगह q, m प्लस nth टर्म चाहिए तो n की जगह m प्लस n डाल, और अगर आपको mth टर्म भी चाहिए तो n की जगह आप ये डालेंगे। इसमें सम का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक नहीं था। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया पता है ना, टू प्रूफ में क्या है, ये दोनों का सम, ये दोनों का सम आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा देखना वो इसके ट्वाइस के बराबर आ रहा होगा, वो आप खुद ही करके देख सकते हो, उसमें मेरे को जरूरत ही नहीं थी, आप करके देखिए। एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 2 3 ले लो, सबको ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो और देखो क्या वो इक्वेशन 3 के ट्वाइस के बराबर आ रहा है, आ जाएगा खत्म। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिए, तो देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ऐड करके लिख देता हूँ, ऐड करके इधर लिख देता हूँ उसके नीचे, तो LHS LHS के साथ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा टी एम प्लस एन प्लस टी एम माइनस एन, और RHS में हो जाएगा 2A, A प्लस A 2A, और D वाला मटेरियल कॉमन आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1, और D कॉमन आ गया ना क्योंकि मैंने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर D कॉमन आ गया, D कॉमन आया तो अंदर में बचेगा m प्लस n माइनस 1 और m माइनस n माइनस 1, ये D के ब्रैकेट में बच रहा है बाहर तरफ। नाउ ये देख सकते हैं आप माइनस प्लस n माइनस n कट गया, तो क्या आ रहा है भैया, LHS में तो आ रहा है टी एम प्लस एन प्लस टी एम माइनस एन, और RHS में क्या आ रहा है, टू ए तो आ ही रहा था प्लस टू एम, ये सर ट्वाइस आ रहा है ना, यस। तो ये m और m, टू एम और माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, टू एम माइनस टू डी, RHS में टू कॉमन अभी नहीं आ रहा है, अब टू बाहर निकला यहाँ पर m माइनस वन डी, अब फाइनली टू बाहर निकाल लीजिए पूरा, ऐसा ये टू बाहर तो अंदर आ गया ए प्लस एम माइनस वन डी। अरे यही तो इक्वेशन 3 में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो यही चीज तो इक्वेशन 3 में है, और इसकी वैल्यू टी एम होती है, बस हो गई। हैंस प्रूफ्ड, एक बार और चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो।